नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कर्नाटक का सियासी संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल ने कल सुबह विधानसभा का सत्र बुलाया। विधायकों के शपथ और येदुरप्पा के बहुमत परीक्षण के लिए पूर्व स्पीकर केजी बोपैया को प्रोटम स्पीकर बनाया गया है। कांग्रेस ने प्रोटम स्पीकर के तौर पर बोपैया की नियुक्ति का विरोध किया। कांग्रेस राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि येदुरप्पा सरकार को बचाने के लिए बतौर कर असंवैधानिक हथकंडा अपनाया जा चुका है और कांग्रेस ने वरिष्ठ सदस्य आरवी देशपांडे को प्रोटम स्पीकर बनाए जाने की मांग की है। राज्यपाल वाजूभाई वाला ने तीसरी बार फिर संविधान का एनकाउंटर आज कर डाला, जब उन्होंने तीसरी बार चुनकर आए विधायक केजी बोपैया जी को प्रोटम स्पीकर नियुक्त कर दिया। ये वही श्री केजी बोपैया जी हैं जो पहले से ही डेंटेड टेंटेड हैं। ये वो श्री केजी बोपैया जी हैं जिन्होंने बीएस येदुरप्पा जी की पिछली सरकार को बचाने के लिए संविधान और प्रजातंत्र दोनों की धज्जियां उड़ा डाली थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी महेश गुप्ता फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। महेश, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि केजी बोपैया को इंटरिम स्पीकर यहां पर बनाया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस इन पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है और कोर्ट जाने की बात कर रही है। महेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं एक बार फिर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। और महेश, अगर आप इस बार मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि केजी बोपैया को प्रोटम स्पीकर यहां गवर्नर ने बना दिया है। अब कांग्रेस उन पर ही डेंटेड टेंटेड होने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट आ रही है और जेडीएस के 5 जो विधायक हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर रहे हैं। उनकी भी पटिशन यहीं पे एक एडवोकेट है मिस्टर डीके कर, उनके चैम्बर में टाइप हो रही है। और इनकी जो मांग यही है कि जो सीनियर मोस्ट हैं, जो एक परंपरा है, उसको नजरअंदाज करके जो है जो सेकंड सीनियर मोस्ट है उनको बनाया जा रहा है। तो ये उनकी मांग है। अभी सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सभी जजेस जा चुके हैं, रजिस्ट्रार जा चुके हैं, लेकिन जब ये आएंगे तो पिछली बार जैसे पिछले रात को हुआ था और ये जिस प्रकार यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं वो अपने घर से आएंगे, उनकी पटिशन को पहले चेक करेंगे, उस पटिशन को लेकर फिर वो चीफ जस्टिस के घर पे जाएंगे और चीफ जस्टिस को लगा के अगर वो पटिशन सुनने लायक है तो फिर सुनने की बात करेंगे, फिर वो तय करेंगे कि रात में सुनवाई हो या कल हो सुनवाई। लेकिन अभी तो यह है कि पहले रजिस्ट्रार यहाँ पर आएंगे और ये अपनी पटिशन उनको देंगे। ठीक है महेश, एक और चीज यहाँ पर ये है कि अब से 2 दिन पहले भी हमने देखा था, रात को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस पिटिशन को सुना था, सुबह 5 बजे फैसला आया था। ऐसे में अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि देखिए आपने जो इंटरिम स्पीकर यहाँ पर चुने हैं वो सही नहीं है और उन्हें बदला जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर देर रात हो सकता है कि नए स्पीकर को, नए इंटरिम स्पीकर को दोबारा से यहाँ पर शपथ दिलाएं? नहीं, देखिए पहली बात तो इस बात की संभावना थोड़ी कम है कि जो है आज देर रात सुप्रीम कोर्ट को सुनेगा, क्योंकि जो उनका फ्लोर टेस्ट है वो जो है शाम को 4 बजे होना है और जो पहले इनका वो था कि येदुरप्पा से जो सीएम पद की शपथ लेंगे तो वो सवेरे मॉर्निंग में ही ले लेनी थी, इसलिए रात को सुनवाई हुई। तो इसकी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अगर जब ये रात को चीफ जस्टिस के घर जाएंगे रजिस्ट्रार इनकी पटिशन को लेके, तो हो सकता है चीफ जस्टिस कहते कि ठीक है कल मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे जो है वो जजिस को बैठा देंगे सुनवाई के लिए, और हो सकता है वो ना भी कहें, जो भी होगा वो अभी कुछ कहना संभव नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम अपडेट के लिए। देखिए, प्रोटम स्पीकर के चयन के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर कल क्या होगा। कल प्रोटम स्पीकर सभी नए विधायकों को पहले शपथ दिलाएंगे, फिर सारे विधायक स्पीकर चुनेंगे और फिर स्पीकर शक्ति परीक्षण कराएंगे। बीजेपी पास हुई तो 5 साल के लिए राज करेगी। हालांकि ये प्रोसेस आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये होगा नहीं।
कर्नाटक शब्द में ही नाटक छिपा हुआ है और कल शाम तक तो ये नाटक अपने पूरे चरम पर होगा।